हाय स्टूडेंट माई सेल्फ गुलशन चंद्रा फ्रॉम एकेडमी और सभी बच्चे ध्यान से देखें आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सर्कल क्लियर ध्यान से देखेंगे सर्कल तो सर्कल में सबसे पहले अपन क्या देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे बच्चे सर्कल में अपने को देखना रहेगा सर्कल एंड सिस्टम ऑफ सर्कल सभी बच्चे इसको ध्यान में रखें सर्कल <coughs> सर्कल तो अपन यहाँ पर जो लॉजिक लेके चलेंगे सर्कल मीन्स ओवरऑल एक सर्कल का इक्वेशन बनता है कैसे उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये सर्कल के अंदर आ जाएगा और उसके बाद सर्कल के टेंजेंट नॉर्मल और उसके बाद फिर दो सर्कल के बीच में जो कंडीशन इंटरसेक्शन उसका टेंजेंसी होना कि दो सर्कल एक दूसरे को टच करें इंटरसेक्ट करें तो ये सब जो कंडीशन रहेगा इसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ सर्कल्स क्लियर है तो ध्यान से देखते जाएंगे बच्चे तो ये क्या हो गया अपने पास सर्कल एंड सिस्टम ऑफ सर्कल्स तो चलो सबसे पहले बच्चों अपन जाते हैं सर्कल में तो ध्यान से देखते जाए तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन तो डेफिनेशन क्या है तो डेफिनेशन तो यहाँ पर बता रहा है ए सर्कल इज ए डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन दैट प्लेन ऑलवेज रिमेंस द सेम मीन्स दैट इज कॉन्स्टेंट ये क्या हो जाएगा तो जैसे एक फिक्स पॉइंट हो गया अपने पास तो प्लेन में एक फिक्स पॉइंट है जैसे मैं ले लेता हूँ पॉइंट को ले लिया ए ये कितना अपन ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा ऐसे करके अपन एक फिक्स पॉइंट ले लिए अब एक वेरिएबल पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव करेगा मान लो ये वेरिएबल पॉइंट है पी अब वेरिएबल पॉइंट को ऑलवेज किससे दिखाया जाता है तो वेरिएबल नंबर से दिखाया जाता है मीन्स एक्स और ये कितना हो गया वाई तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा कि ऑलवेज इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा लाइक जैसे आप हाथ में रस्सी पकड़ लेते हो और एक छोर पे क्या करते हो पत्थर बांध लेते हो और उसको ऐसा ऐसा करके करते हैं तो जो पत्थर का मूवमेंट आपका रहेगा वो क्या बनाता है सर्कल बनाता है तो वैसे ही यहाँ पर वेरिएबल पॉइंट और इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा आपका कॉन्स्टेंट रहेगा तो चलो अपन क्या करते हैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट डिस्टेंस को अपन मान लिए ए तो ये क्या हो जाता है अच्छे से ध्यान से देख लें ठीक है ये क्या हो जाएगा फिक्स पॉइंट ये क्या हो जाएगा वेरिएबल पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव करे कि हर बार इसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट हो तो उस वेरिएबल पॉइंट का लोकस उस वेरिएबल पॉइंट का पाथ ऑफ ए पॉइंट को लोकस बोला जाता है तो उस वेरिएबल पॉइंट का लोकस हमेशा अपने पास क्या आता है एक सर्कल आता है ये लॉजिक होता है सर्कल का ध्यान से देख लेंगे तो इसीलिए यहाँ पर इसका जो डेफिनेशन दिया जाता है वो कुछ इस तरीके से ही दिया जाता है कि एक वेरिएबल पॉइंट का मूवमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज कॉन्स्टेंट हो क्लियर है तो इस केस में उसका लोकस क्या होता है अपने पास सर्कल होता है ठीक है तो बस यही एक डेफिनेशन रहता है सर्कल का सीधा सीधा लॉजिक रहता है और इसी कंसेप्ट से अपन क्या करते हैं कंडीशन अप्लाई करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अपन सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं ठीक है ध्यान से देखेंगे बच्चे द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल मीन्स जो अभी अपन सर्कल बनाए तो इस सर्कल में ये वेरिएबल पॉइंट पी अपने पास मूव कर रहा था तो पी ये कितना हो गया एक्स वाई अब यहाँ पर यह क्या चीज़ है अपने पास फिक्स पॉइंट तो चलो इसको जैसे अपन ले लेते हैं सी सी फॉर सेंटर तो ये कितना है अपने पास अल्फ़ा बीटा है तो और ये जो डिस्टेंस है तो ये फिक्स डिस्टेंस तो ये कितना हो गया अपन इसको दिखा देते हैं ए से तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि ये जो फिक्स डिस्टेंस रहता है इसको बोला जाता है रेडियस और फिक्स पॉइंट जो रहता है वो क्या कहलाता है इसका सेंटर मीन्स सी और ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा बीटा तो ये बन जाएगा अपने पास क्या चीज सेंटर ऑफ द सर्कल ये बन जाएगा क्या चीज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ये जो फिक्स डिस्टेंस है ए तो ए क्या हो जाएगा अपने पास रेडियस ऑफ द सर्कल ठीक है ये क्या हो जाएगा अपने पास रेडियस ऑफ द सर्कल क्लियर है यह लॉजिक रहेगा अब इसका इक्वेशन डेवलपमेंट कैसा रहेगा तो बस इस छोटे से चीज को ध्यान में रखेंगे कि ये वेरिएबल पॉइंट हो गया ये फिक्स पॉइंट हो गया और दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा कॉन्स्टेंट तो इसी बेसिस पे अपन क्या करेंगे हमेशा सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे ध्यान से देखेंगे द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर एच के एंड रेडियस इज आर यूनिट ध्यान से देख लेंगे बच्चे द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर एच के एंड रेडियस आर यूनिट मीन्स यहाँ पर अपने को सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर दिया हुआ है अपने पास एच के एंड उसका फिक्स रेडियस दिया हुआ है कितना आर क्लियर है क्योंकि वो डिस्टेंस रहता है इसीलिए ऑलवेज क्या रहता है फिक्स रहता है तो ध्यान से देखें ये ऐसा करके अपने को सर्कल का इक्वेशन निकलेगा जहाँ पर इसका सेंटर सी इसका कोऑर्डिनेट अपने को दिया हुआ है कितना एच के तो चलो भाई ये सेंटर हो गया अब अपन इसमें क्या करते हैं एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं तो वेरिएबल पॉइंट पी तो ये कितना हो जाएगा एक्स वाई ठीक है और डिस्टेंस अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना आर तो चलो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं ध्यान में रखेंगे कभी भी कोई भी किसी भी पॉइंट का अगर लोकस निकाला जाता है किसी भी पॉइंट का अगर, अगर अपन लोकस निकालते हैं तो वो लोकस प्रॉपर एक गिवन कंडीशन में प्रॉपर एक स्टैंडर्ड कंडीशन में एक वेरिएबल पॉइंट का इक्वेशन होता है समझ में आया मीन्स कैसे जैसे अगर, अगर अपन एक वेरिएबल पॉइंट लिए उसमें कंडीशन डाले कि भैया सीधा निकल ले तो सीधा सीधा चलते जाना तो वो क्या बन जाएगा अपने पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जैसे अगर अपन एक वेरिएबल पॉइंट लिए ठीक है अब इसमें कंडीशन अप्लाई की है कि क्या हो जाएगा फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा इक्वल होगा तो वो कुछ इस तरीके से गोल गोल घूमेगा तो सर्कल बन जाएगा तो इसी तरीके से टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी कर्व होते हैं वो पर्टिकुलर कंडीशन में एक वेरिएबल पॉइंट के लोकस होते हैं जैसे आप ले लो स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला अभी अपन आगे पूरे कॉनिक सेक्शन पढ़ते जाएंगे तो आप लोग देखना हर जगह एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस होता है प्रॉपर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं और उसका जो इक्वेशन बनता है वो लाइन से सर्कल का इक्वेशन आएगा पैराबोला का आएगा इलिप्स हाइपरबोला सब का इसी से इक्वेशन आते जाएगा तो वैसा ही अपन यहाँ पर सर्कल का फाइंड आउट कर रहे हैं तो ध्यान से देखते जाना तो ये कितना हो जाएगा तो कंडीशन कुछ ऐसा है कि सी पी सी पी इज टू ये कितना है आर ध्यान से देखें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स तो लॉजिक लगा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा रूट ओवर यहाँ पर अपन करेंगे तो कितना एक्स माइनस एच डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला लगा देते हैं तो एच माइनस एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस ठीक है तो ये कितना हो जाएगा प्लस अब वाई uh, कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो ये कितना आ जाएगा वाई माइनस के का स्क्वायर इसक्ल टू यह कितना हो जाएगा बच्चों आर ठीक है तो चलो इस रूट को अपन उधर ले जाते हैं तो ये ट्रांसफर होगा तो फाइनली कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा वाई माइनस के का स्क्वायर इज्क्ल टू ये कितना हो गया अपने पास आर ए e स्क्वायर रूट इधर ट्रांसफर हो गया कितना आ गया आर ई स्क्वायर तो ध्यान से देखेंगे ये जो कंडीशन आया ये क्या हो गया अपने पास ठीक है गिवन कांस्टेंट और जो वेरिएबल पॉइंट था उसके टर्म्स में अपने पास एक इक्वेशन मिल गया तो यही हो जाएगा अपने पास क्या चीज़ इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल ध्यान से देखें तो यही क्या हो जाएगा अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल और कुछ ही इस तरीके से ये सर्कल का इक्वेशन आया कि यहाँ पर सेंटर तो सेंटर अपने पास क्या चीज़ है एच के है ठीक है सेंटर क्या है एच के है और नेक्स्ट अगर अपन इसमें जाए तो ये क्या हो जाएगा रेडियस ठीक है तो रेडियस अपने को कितना दिया हुआ था आर दिया हुआ था क्लियर है तो किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए मात्र अपने को यहाँ पर क्या चाहिए रहता है एक सेंटर और रेडियस और सेंटर और रेडियस तो बस ये लॉजिक लगाया जाता है कि सी पी स्क्वल टू आर मीन्स ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा फिक्स डिस्टेंस रहेगा तो ये आर रहेगा ठीक है थीके? अब ये स्क्वायर रूट को अपन उधर ट्रांसफर कर दिए तो जैसे ही ट्रांसफर किए तो ये हो गया आर स्क्वायर ठीक है तो ध्यान से देख लें अपने पास एक्स वाई और साथ में जितने भी गिवन कॉन्स्टेंट थे उसके टर्म्स में अपने को इक्वेशन मिल गया तो यही हो गया आपका उस पॉइंट का लोकस ठीक है यही हो गया उस पॉइंट का लोकस मीन्स उस पॉइंट के टर्म्स में आपका इक्वेशन आया मतलब उस पॉइंट का लोकस देन वो क्या हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल इन विच सेंटर इज एच के एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर क्लियर है बच्चे लोग तो कुछ इस तरीके से हर बार अपन क्या करेंगे एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे क्लियर है चलो भाई आगे फिर इसमें ध्यान से देखते जाए बच्चे तो कुछ इस तरीके से अपन सर्कल का इक्वेशन निकालते हैं जैसे मैं यहाँ पर एक ये बता रहा हूँ <coughs> ध्यान से देखते जाना अगर बाई चांस यहाँ पर मेरे पास जैसे मैं एक सेंटर लिया ठीक है सेंटर मान लो अपने पास कितना है टू थ्री ठीक है सेंटर का को कोऑर्डिनेट कितना है टू थ्री अब यहाँ पर वेरिएबल पॉइंट और रेडियस दिया हुआ है आपने को टू यूनिट क्लियर है तो ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से वेरिएबल पॉइंट मूव करेगा और आपका क्या आएगा सर्कल का इक्वेशन तो चलो भाई वेरिएबल पॉइंट ठीक है ये कितना है एक्स वाई तो भाई अपन क्या कर सकते हैं या तो आप प्रॉपर लॉजिक लगा दो कि इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा आपके पास कॉन्स्टेंट होगा किसके बराबर होगा टू के बराबर होगा ठीक है या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले में फिट कर दो मीन्स ये कितना हो जाएगा तो चलो भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल तो प्रॉपर फॉर्मेट में गए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ठीक है इक्वेशन ऑफ सर्कल तो चलो भाई एक्स माइनस एक्स वन तो ये क्या है एक्स माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा के जगह अपने पास कितना है टू तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस अब इसमें गए तो ये कितना हो जाएगा वाई माइनस थ्री तो ध्यान से देखेंगे वाई माइनस थ्री इसका स्क्वायर इसकोअल टू आर स्क्वायर होता है बच्चों तो रेडियस के जगह अपने पास कितना है टू मीन्स ये कितना हो जाएगा अपने पास टू स्क्वायर ठीक है तो ध्यान से देखें फाइनली जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या क्या आएगा तो इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा फोर एक्स प्लस और ये कितना हो गया फोर अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया सिक्स वाई अब ये कितना हो जाएगा प्लस कितना हो गया नाइन इसकोल टू ये कितना आ जाएगा फोर क्लियर है चलो टोटल ओवरऑल सबको वैल्यू को अरेंज कर लेते हैं तो फाइनली ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस फिर ये कितना हो गया वाई स्क्वायर चलो अब इसको अरेंज करते हैं तो माइनस फोर एक्स तो ये कितना हो जाएगा माइनस फोर एक्स फिर ये कितना माइनस सिक्स वाई अब इधर अगर अपन ध्यान से देखें तो ये कितना हो जाएगा फोर फोर सेम वैल्यू अपोजिट साइड कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनली कॉन्स्टेंट वैल्यू कितनी आई नाइन क्लियर है तो ये कितना हो जाएगा प्लस नाइन इज्कल टू ज़ीरो तो ये क्या हो गया अपने पास सेंटर दिया हुआ था सर्कल का सेंटर था ठीक है और अपने पास रेडियस दिया हुआ था तो कभी भी अगर अपने पास सेंटर और रेडियस अवेलेबल रहेगा तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला फॉर्म में अपन क्या करेंगे सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे क्लियर है बच्चे लोग ध्यान से देख लेंगे ठीक है चलो आगे फिर अब इसमें अपन बढ़ जाते हैं ध्यान से देखते जाएं तो ये था अपने पास ठीक है सर्कल का इक्वेशन निकालने का तरीका क्लियर अब अपन इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ध्यान से देखते जाएंगे बच्चे और अच्छे से समझते जाएंगे तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखें एग्जाम्पल वन जैसा यहाँ पर बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हु सेंटर इज पॉइंट थ्री थ्री ध्यान में रखेंगे उस सेंटर इज पॉइंट थ्री थ्री ठीक है एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस इज़ फाइव यूनिट तो चलो ध्यान से देखते जाना अपने पास सेंटर ठीक है तो ये क्या है सेंटर तो सेंटर को साफ बता रहा है कितना मीन्स अल्फा बीटा तो अल्फ़ा बीटा की जगह कितना बता रहा है बच्चों तो यहाँ पर बता रहा है थ्री कॉमा थ्री ठीक है और अगला रेडियस आर इसकल टू ये कितना बताया है फाइव बताया तो चलो अपन क्या करते हैं इक्वेशन में फॉर्मूले में ये अप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल तो सेंस इक्वेशन ऑफ सर्कल अपने पास क्या होता है जबकि अपना सेंटर है अल्फा बीटा एंड रेडियस है फाइव आ, रेडियस है आर तो ये क्या रहता है एक्स माइनस अल्फ़ा इसका स्क्वायर प्लस ये कितना होता है वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इसक्ल टू ये कितना आता है आर स्क्वायर तो चलो भाई प्रॉपर इसमें वैल्यू रख देते हैं और विथ साइन रखेंगे कहीं पर भी सोचना नहीं है विथ साइन रखना है मीन्स ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस अब ये कितना हो जाएगा वाई माइनस थ्री इसका स्क्वायर इसक्ल टू तो, रेडियस अपने पास फाइव है तो रेडियस फाइव है तो ये कितना हो जाएगा फाइव स्क्वायर चलो भाई अब इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा तो चलो x माइनस थ्री का स्क्वायर मीन्स ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस ये कितना हो गया नाइन चलो वैसा ही y का करते हैं तो y माइनस थ्री का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर माइनस ये कितना सिक्स वाई और ये कितना हो जाएगा प्लस नाइन इसकल टू ठीक है आर स्क्वायर मीन्स फाइव स्क्वायर तो ये कितना हो गया ट्वेंटी फाइव चलो प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा फाइनली अपने पास तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और बच्चों हमेशा ध्यान में रखेंगे कभी भी किसी भी इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है मीन्स डिक्रीजिंग डिग्री में होना चाहिए तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मीन्स पावर टू है तो पहले एक्स आएगा फिर वाई होगा ये एक जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट होता है जो कि यहीं पर सर्कल में अपन थोड़ी देर में देखेंगे क्लियर है तो ध्यान से देखें तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब आगे फिर ये कितना हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स फिर ये कितना हो गया माइनस सिक्स वाई अब ध्यान से देखना बच्चों तो ये कितना हो गया नाइन प्लस नाइन एटीन एटीन माइनस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव लेफ्ट साइड में आएगा तो एटीन माइनस ट्वेंटी फाइव कितना हो जाएगा माइनस ठीक है तो एटीन माइनस ऑरी ध्यान से देखें दो मिनट ध्यान से देखें बच्चे तो ये क्या हो जाएगा एटीन माइनस ट्वेंटी फाइव ठीक है तो ये कितना आ जाएगा माइनस सेवन इज्कल टू ये कितना आ गया जीरो क्लियर है बच्चे लोग तो ध्यान से देख लेंगे ये क्या हो गया अपने पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल ठीक ये क्या हो गया अपने पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल जिसका सेंटर अपने पास कितना है थ्री थ्री ठीक है सेंटर क्या दिया हुआ है अपने को पॉइंट थ्री थ्री एंड रेडियस कितना दिया हुआ था फाइव यूनिट तो कुछ इस तरीके से अपन क्या करेंगे सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे क्लियर है चलो आगे फिर और इसी तरीके से और एक एग्जाम्पल देखते हैं ध्यान से देखते जाना मीन्स सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान से देखें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट जीरो जीरो एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज माइनस फोर थ्री सेंटर ऑफ द सर्कल इज माइनस फोर थ्री देख ले अच्छे से ध्यान से बच्चे तो बच्चों अभी तक जो अपन सीखे उसमें आप ये देखे होंगे कि सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए अपने को मात्र किस चीज़ की आवश्यकता रहती है तो पहला सेंटर होना चाहिए और दूसरा उसका रेडियस होना चाहिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हल्का सा उसको चेंज कर दिया गया सेंटर अपने पास गिवन है लेकिन रेडियस नहीं दिया हुआ है यहाँ पर केवल बता रहा है क्या चीज़ कि सर्कल सर्कल के सर्कम में एक पॉइंट है मीन्स सर्कल उस पॉइंट से पास हो रहा है ठीक है तो चलो भाई ध्यान से देखते जाना तो ये कुछ इस तरीके से है कि अपने को इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर अपने को बता रहा है कितना है सी ठीक है और कितना बता रहा है सर्कल का सेंटर है माइनस फोर और ये कितना दिया हुआ है थ्री ठीक है आप ध्यान से देखें यहाँ पर अपने को क्या दिया है में एक पॉइंट दे दिया है कितना पॉइंट ऑफ ओरिजिन मींस ये कितना हो गया जीरो जीरो ठीक है तो बच्चों एक चीज़ बताएं सेंटर से सरकम का डिस्टेंस ऑलवेज क्या रिप्रेजेंट करता है रेडियस ठीक है चलो मान लो ये क्या कर रहा है पॉइंट ए से पास हो रहा है ये क्या हो रहा है पॉइंट ए से पास हो रहा है तो चलो भाई तो ध्यान से देखते जाना तो सेंस ठीक है सेंस ये क्या हो जाएगा रेडियस इक्वल टू सेंस रेडियस रेडियस इक्वल टू ये क्या होना चाहिए सी पी सी ए अपने पास रेडियस होना चाहिए बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कम इज द रेडियस ऑफ द सर्कल अब चलो भाई तो सी ए निकाल लेते हैं तो यही क्या हो जाएगा रेडियस आर तो चलो भाई सी ए के बीच का डिस्टेंस निकाले तो रूट ओवर ये कितना आ जाएगा तो माइनस फोर माइनस ज़ीरो इसका स्क्वायर प्लस अब ये कितना हो जाएगा थ्री माइनस ज़ीरो तो ये आ गया थ्री माइनस ज़ीरो का स्क्वायर क्लियर है चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फाइनली अपने को आर कितना दिखाई दे रहा है तो फाइनली आर दिखाई दे रहा है रूट ओवर माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा सिक्सटीन एंड थ्री का स्क्वायर नाइन मीन्स ये कितना हो जाएगा प्लस नाइन मीन्स ये कितना आ गया रूट ओवर ट्वेंटी फाइव रूट ओवर ट्वेंटी फाइव मीन्स ये कितना आ जाएगा फाइव बच्चों ध्यान में रखेंगे ठीक है ये एल्जेब्रिक कैलकुलेशन जरूर है लेकिन ये क्या है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है सर्कल अब इसमें आप एक आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि रेडियस रेडियस क्या होता है एक लाइन सेगमेंट को बताता है मीन्स एक लेंथ को डिफाइन करता है और जब ये लेंथ को डिफाइन करता है तो आप रूट ट्वेंटी फाइव में प्लस माइनस फाइव ना लगा दीजिएगा क्लियर है रेडियस मीन्स एक लेंथ है और लेंथ है मीन्स ये ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव तो चलो भाई अब आगे फिर इसमें बढ़ जाते हैं तो देफ फॉर यह कितना हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल तो चलो भाई ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल तो ये क्या आना चाहिए अपने पास तो चलो अब अपने पास सेंटर है और तो अब क्या हो गया रेडियस भी आ गया कितना आ गया फाइव यूनिट आ गया तो चलो भाई ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा तो ध्यान से देखें अल्फा की जगह कितना है बच्चों माइनस फोर सेंटर दिया हुआ था अपने को कितना माइनस फोर थ्री तो कितना है माइनस फोर तो एक्स माइनस ऑफ माइनस फोर तो ये कितना हो जाएगा प्लस फोर तो एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर फिर अगला क्या आएगा वाई माइनस बीटा मीन्स ये कितना हो जाएगा तो प्लस ये आ जाएगा अपने पास वाई माइनस बीटा के जगह कितना है बच्चों थ्री है मीन्स ये कितना हो जाएगा वाई माइनस थ्री का स्क्वायर इसकोल टू आर स्क्वायर तो चलो भाई आर अभी अपन फाइंड आउट किए थे कितना आया फाइव तो ये कितना हो जाएगा ठीक है आर अपना ये कितना हो जाएगा ध्यान से देख लेंगे ठीक तो ये हो जाएगा अपने पास कितना फाइव तो फाइव आया तो चलो भाई तो अब इसमें अपन लॉजिक लगा लेते हैं तो यह हो जाएगा फाइव का स्क्वायर चलो अब पूरा अपन सॉल्व कर लेते हैं तो फाइनली जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अगर चांस थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर खींचते हैं आप तो ये कितना हो जाएगा एक्स वाला आएगा एट एक्स और इधर आएगा कितना माइनस सिक्स वाई तो यह हो जाएगा प्लस एट एक्स ठीक है प्लस एट एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा सिक्स वाई अब टर्म देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा फोर फोर्जा सिक्सटीन नाइन कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव और राइट right साइड में भी कितना आ रहा है ट्वेंटी फाइव तो कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसल आउट होगा तो ये कितना हो जाएगा इसकोल टू जीरो तो ध्यान से देख लें ये एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन आ रहा है जहाँ पर ठीक है एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन आ रहा है जहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं है ठीक है एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन आ रहा है जहाँ पर कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं है तो फिर से बच्चों एक बार ध्यान से देख लेंगे ठीक है अपने को सर्कल का क्या दिया हुआ था सर्कल एक पॉइंट से पास हो रहा है किससे पॉइंट ऑफ ओरिजिन जीरो ज़ीरो ठीक है अब यहाँ पर देखें ऑन सेंटर ऑफ द सर्कल इज माइनस फोर थ्री ठीक है तो सबसे पहले बात अपने को सेंटर था और सर्कम में एक पॉइंट दिया हुआ था पॉइंट ऑफ ओरिजिन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही क्या होगा अपने पास रेडियस होगा तो चलो रेडियस फाइंड आउट किया तो माइनस फोर माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर ठीक है डिस्टेंस निकाल लिए दोनों पॉइंट का तो क्या आ गया अपने पास आर की वैल्यू आई रूट ट्वेंटी फाइव मीनस फाइव ठीक है रूट ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव ही होगा क्यों क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता अब आगे फिर अपने पास सेंटर है दूसरा अपने पास रेडियस है तो सेंटर और रेडियस है तो अपन सर्कल का इक्वेशन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू तो आर स्क्वायर तो अल्फा के जगह है माइनस फोर तो दे फॉर एक्स माइनस ऑफ माइनस फोर हो जाएगा एक्स प्लस फोर यहाँ पर कभी कभार बच्चे गलती कर देते हैं तो इसको थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे एक्स माइनस ऑफ माइनस फोर आपका प्लस फोर होगा ये कितना हो गया वाई माइनस थ्री का स्क्वायर इसक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स फाइव स्क्वायर ठीक है सॉल्व किए तो ये क्या हो गया अपने पास सर्कल का इक्वेशन आया एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस सिक्स वाई टू जीरो ठीक है बच्चों इस इक्वेशन में कॉन्स्टेंट टर्म नहीं आ रहा है कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है जीरो है क्यों पता बच्चों ध्यान से सुनेंगे अभी आगे अपन बकायदा इसके बारे में पूरा एक नोट बनाएंगे ध्यान से देखते जाना कभी भी कोई भी कर्व अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पास होता है कोई भी कर्व अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पास होता है ठीक है तो उसमें कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी होती है जीरो होती है क्यों पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा अगर आप एक्स इज्क्वल टू जीरो वाई स्क्वल टू जीरो रखते हैं तो जीरो इज्क्ल टू जीरो आ रहा है क्लियर है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पास हो रहा है तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू ज़ीरो होगी या फिर आप उल्टा बोल सकते हैं कि अगर कांस्टेंट टर्म की वैल्यू जीरो है तो क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पास हो रहा है तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें तो कभी ऐसा भी अपने साथ हो सकता है कि अपने को क्या दे कि एक डिफरेंट कंडीशन दे दे और उसमें सर्कल का इक्वेशन निकालना है जबकि साफ प्रॉब्लम में बोल चुका है कि ये सर्कल पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पास हो रहा है तो पहले ही अपने दिमाग में एक घंटी बजना था कि भाई अगर सर्कल पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब उसमें कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू क्या होगी ज़ीरो होगी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो ऑल फोर ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें केवल एक ही ऑप्शन रहता है जिसमें पॉइंट ऑफ ओरिजिन की वैल्यू जीरो रहती है सॉरी कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू क्या रहती है जीरो रहती है ठीक है मतलब जब वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पास हो रहा है तो कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी आनी चाहिए जीरो आनी चाहिए तो चार में से अगर कोई एक ऑप्शन दे रहा है ठीक है कि जिसमें कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू ज़ीरो है मतलब आप समझ जाना कि भैया यही कर्व है जो कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पास हो रहा है क्लियर है बच्चों ठीक है बाकी ऐसा ऑप्शन जनरली दिया नहीं जाता क्योंकि आजकल बच्चे जो है शॉर्टकट के पीछे ज़्यादा भाग जाते हैं बाकी यकीन माने अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से स्टेप एलिमिनेशन कर सकते हैं और जैसे ही आप स्टेप एलिमिनेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चंस का जो टाइमिंग रहेगा वो बहुत कम हो जाएगा क्लियर है ध्यान से देखते जाए कंसेप्ट अपना क्लियर करें ठीक है वही सब चीज़ रहता है इसमें चलो आगे फिर तो आई थिंक ये बच्चों को समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट लॉजिक में अपन जाते हैं ध्यान से देखेंगे बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर थ्री फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ध्यान से देखें बच्चे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट वन थ्री एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो कि पास हो रहा है पॉइंट वन थ्री से एंड सेंटर इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइंस तो दो लाइन दिए हुए हैं एक है अपने पास कितना एक्स प्लस वाई माइनस वन इसवल टू जीरो एंड सेकेंड है टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इज्कल टू ज़ीरो तो टू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री इज्क्ल टू जीरो हाँ बच्चों चलो फिर अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा लॉजिक बताया हुआ है कि यह कितना सर्कल पास हो रहा है किससे पॉइंट वन थ्री से तो अगर अपन पूरा लॉजिक इसमें देख लें तो सर्कल पास हो रहा है पॉइंट पॉइंट वन थ्री से और यहाँ पर ऐसा है बेटा कि ये जो है इंटरसेक्शन पॉइंट इसका क्या बन रहा है ये जो दो दो लाइन दिए हुए हैं इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका सेंटर बन रहा है मीन्स अगर अपन यहाँ पर ठीक है ये देख लें तो सर्कल हो गया ये पास हो रहा है किससे पॉइंट वन थ्री से तो ये पॉइंट वन थ्री से ऐसा पास हुआ अब बता रहे हैं कि ये दो लाइन दिए हुए हैं ठीक है मान लो ये क्या है आपका फर्स्ट लाइन है कौन सा एक्स प्लस वाई माइनस वन इसक्वल टू ज़ीरो और ये क्या है आपका सेकेंड लाइन है टू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री स्क्वल टू माइनस थ्री स्क्वल टू जीरो क्लियर है तो ये क्या हो जाएगा ये फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही क्या हो जाएगा अपने पास सेंटर हो जाएगा तो ये हो गया अपने पास सेंटर ऑफ द सर्कल और ये अपने पास मान लो पॉइंट ए से ये पास हो रहा है पॉइंट वन थ्री अब इसमें क्या किया जाए तो भाई ना तो सेंटर भी पूरा दिया हुआ है ना ही रेडियस दिया हुआ है तो फटाफट अपन क्या करते हैं इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए इंटरसेक्शन पॉइंट से अपने पास सेंटर आ जाएगा और उसके बाद सेंटर का ही सरकम फ्रेंस के पॉइंट से अपन निकाल लेंगे डिस्टेंस तो अपना क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा तो चलो भाई तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिए तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस वन इजकअल टू ज़ीरो तो आप इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हो मैं लगा दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आप टेंथ में पढ़े हुए थे तो उससे जल्दी सॉल्व होता है तो ये कितना हो जाएगा टू एक्स और ये कितना हो जाएगा माइनस वाई और ये कितना माइनस थ्री इज्क्ल टू ज़ीरो ठीक है तो चलो भाई जैसा आप जानते हो वैसा लगा लो तो जैसे मैं इसमें ये जिक जैग लगा लिया तो फाइनली क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो एक्स अपॉन तो ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस फोर इजक्ल टू यह हो जाएगा अपने पास वाई अपॉन ठीक है इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा माइनस टू प्लस थ्री मीन्स ये कितना आ जाएगा वन इज्कल टू कॉन्स्टेंट अपॉन मीन्स वन अपॉन इसको देखें तो माइनस वन माइनस टू मतलब ये कितना हो जाएगा माइनस थ्री तो बच्चों अगर अपन इसमें देखें तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो सेंटर आ जाएगा ये हो गया एक्स ये हो गया वाई ठीक है तो चलो भाई जब इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री मीन्स ये कितना आ गया फोर बाई थ्री ठीक है और इसमें अगर देखें तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन बाई थ्री तो ध्यान से देखेंगे बच्चों अपने पास क्या आ गया सेंटर आ गया प्लीज़ अच्छे से ध्यान से देख लेंगे दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकाले मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन के लिए जो मेथड यूज़ किया हूँ वो मेथड है क्या चीज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप चाहें तो सब्सटिट्यूशन लगा लीजिए आप चाहें अगर ठीक है तो कोई भी दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं बस टारगेट है कि उसका इंटरसेक्शन पॉइंट अपने को चाहिए क्लियर है अब चलो भाई ये आ गया अब अगला टारगेट जो अपना रहेगा क्या रहेगा रेडियस का ठीक है तो अब अपने को क्या चाहिए नेक्स्ट रेडियस तो ध्यान से देखते जाना तो रेडियस कैसे आएगा तो भाई ये सी हो गया और इस पॉइंट से क्या हो रहा है सर्कल पास हो रहा है तो ध्यान से देखते जाना ये सी हो गया यहाँ से अपन ऐसे करके ये कर लिए ठीक तो यही क्या हो जाएगा अपने पास रेडियस ऑफ द सर्कल ठीक है क्लियर है तो ये क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल तो बस सी ए के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो ध्यान से देखना सी ए ठीक है तो सी ए यही क्या हो जाएगा अपने पास रेडियस हो जाएगा तो चलो भाई आर के लिए अपन चल देते हैं तो कितना आ जाएगा तो ध्यान से देखें रूट ओवर ठीक है क्या हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू तो देख लें बच्चे लोग ये कितना है अपने पास सेंटर आ रहा है माइन ये कितना फोर बाई थ्री और ये कितना आया है वाई कोऑर्डिनेट माइनस वन बाई थ्री ठीक है तो चलो अब सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो ये कितना हो जाएगा फोर बाई थ्री माइनस वन ठीक है इसका स्क्वायर हो गया अब वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो ये कितना हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री ठीक है और ये कितना हो जाएगा माइनस थ्री तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर ध्यान से देख लेंगे बच्चे चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फाइनली ये कितना आ जाएगा तो फोर बाई थ्री माइनस वन तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री मीन्स रूट ओवर ये कितना बचेगा अपने पास वन बाई नाइन ठीक है अब ये कितना हो जाएगा थ्री थ्री से नाइन वन टेन मीन्स माइनस टेन बाई थ्री मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ठीक है माइनस टेन का स्क्वायर प्लस हंड्रेड तो हंड्रेड अपॉन ये कितना हो गया अपने पास नाइन क्लियर है सॉल्व करते हैं तो सॉल्व किए तो ये कितना आ जाएगा तो फाइनली ये आ जाएगा अपने पास रूट ओवर एल आएगा नाइन मीन्स ये कितना हो गया न्यूमरेटर फंस गया रूट में तो वन हंड्रेड वन अपॉन नाइन रूट से बाहर निकल के कितना हो गया थ्री तो ध्यान से देख लेंगे तो अपने पास रेडियस आ गया रूट ओवर वन हंड्रेड वन अपऑन थ्री क्लियर है बच्चे लोग तो ध्यान से देख लें अपने पास सेंटर है रेडियस है ध्यान से देखें सेंटर है रेडियस है अब केवल अपने को क्या करना है सर्कल का इक्वेशन ठीक है फाइंड आउट करना है तो ध्यान से देखते जाएंगे तो अब इसमें जैसे ही अब अगला मैं निकालता हूं तो चलो अब अपने पास क्या आ गया सेंटर आ गया ठीक है अब अपने पास क्या आ गया सेंटर आ गया सेंटर आ गया तो चलो भाई सेंटर है अपने पास कितना तो ये है फोर बाई थ्री और ये कितना है माइनस वन बाई थ्री ठीक है चलो भाई और अगला अपने पास क्या चीज़ है रेडियस तो रेडियस आया है थोड़ा सा खतरनाक टाइप का रेडियस हो गया कैसे रूट ओवर वन हंड्रेड वन होल अपॉन ये कितना हो गया थ्री चलो आराम से सॉल्व किए तो ये कितना हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल ठीक तो है तो अपन जाते हैं कि इसमें सर्कल के इक्वेशन में तो जो फार्मूला है वो अप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन मीन्स ये कितना हो जाएगा फोर बाई थ्री ठीक है इसका स्क्वायर हो गया प्लस अब ये कितना हो जाएगा वाई माइनस वाई वन तो ये हो जाएगा वाई प्लस ठीक है ये कितना हो जाएगा वन बाई थ्री बिकॉज वाई माइनस ऑफ माइनस वन बाई थ्री तो कितना हो जाएगा वाई प्लस वन बाई थ्री इसका स्क्वायर हो गया इसकोल टू तो चलो भाई ध्यान से देखें तो आर का स्क्वायर मीन्स रूट ओवर ये कितना हो जाएगा वन हंड्रेड वन ठीक है ध्यान से देखेंगे ये कितना हो जाएगा ठीक है तो यह कितना रूट ओवर वन हंड्रेड वन तो रूट ओवर वन हंड्रेड वन अपन थ्री और यह हो जाएगा इसका स्क्वायर क्लियर बस चलो तो बस अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे तो चलो भाई वन बाई वन अच्छे से इसको मेंटेन करते जाएंगे ध्यान से देखते जाना तो यह कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब यह कितना हो जाएगा सिक्सटीन बाई नाइन ठीक है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी तो ये कितना हो जाएगा माइनस एट बाई थ्री एक्स ये हो गया कितना एक्स माइनस फोर बाई थ्री का स्क्वायर वैसे वाई प्लस वन बाई थ्री का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स ये कितना हो जाएगा वन बाई नाइन ठीक है और यह कितना प्लस टू ए बी तो ये कितना हो जाएगा टू बाई थ्री और यह कितना हो गया वाई क्लियर है बच्चे लो तो चलो भाई अब ये कितना आ रहा है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा तो राइट right साइड में ध्यान में रखेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा राइट right साइड में तो रूट और वन हंड्रेड वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन हंड्रेड वन थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन तो चलो अब सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लिए तो फाइनली ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर <coughs> प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर तो अब कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब एक्स के सिंगल पावर का तो ये कितना दिखाई दे रहा है एट बाई थ्री और ये कितना हो गया एक्स अब आगे फिर ये कितना हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा टू बाई थ्री इंटू ये कितना हो गया वाई अब कांस्टेंट टर्म देख लेना तो सिक्सटीन बाई नाइन प्लस वन बाई नाइन कितना हो जाएगा सेवनटीन बाई नाइन अब ये वन हंड्रेड वन बाई नाइन इधर आएगा लेफ्ट लेग साइड में तो क्या हो जाएगा फाइनली एल सी एम आएगा कितना नाइन ठीक है तो सेवनटीन माइनस वन हंड्रेड वन सेवनटीन माइनस यह कितना हो जाएगा वन हंड्रेड वन तो कितना बचेगा अपने पास एटी फोर मीन्स फाइनली ये कितना हो जाएगा तो माइनस ये बचेगा एटी फोर अपॉन नाइन इज्कल टू कितना आ गया ज़ीरो तो ध्यान से देखना विच इज़ द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल तो दिए हुए कंडीशन में पहले अपन सेंटर निकाले फिर अपन रेडियस निकाले और सेंटर रेडियस सब निकालने के बाद फिर अपन क्या किया सर्कल का इक्वेशन निकाले क्लियर है तो ध्यान से देख लें बच्चे पूरा प्रोसेस मीन्स कभी भी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए इस एग्जाम्पल का मतलब ही था कि कभी भी अगर आप सर्कल का इक्वेशन निकाल रहे हैं तो सर्कल का इक्वेशन निकाल रहे हैं तो वहाँ पर आपको सेंटर और रेडियस ठीक है ये पहले आपको निकालना पड़ेगा उसके बाद आपको फार्मूला अप्लाई करना है फिर आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना है कुछ एक केसेस आएंगे जहाँ पर अपन कुछ अलग तरीके से सर्कल के इक्वेशंस निकालेंगे ठीक है बाकी ये एक स्टैंडर्ड फंडामेंटल होता है कि सेंटर होना चाहिए और रेडियस होना चाहिए तो उससे अपन क्या करते हैं सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं ठीक है ध्यान से देख लेंगे सभी बच्चे सेंटर फाइंड आउट किया गया दोनों लाइन के इंटरसेक्शन सेक्शन पॉइंट से उसके बाद फिर वो सेंटर सेक्शन पॉइंट का सरकम फ्रेंस का पॉइंट ठीक है कौन सा पॉइंट था वन थ्री इससे अपन क्या किया डिस्टेंस निकाले तो अपना रेडियस आ गया सेंटर रेडियस इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लिया पॉइंट फॉर्म जो भी फॉर्मूला था ठीक है पूरा सॉल्व किया तो फाइनली सर्कल का इक्वेशन आ गया क्लियर है बच्चे लोग तो कुछ इस तरीके का लॉजिक इसके अंदर चलता है चलो आगे फिर अब इसमें बढ़ जाते हैं तो भाई सर्कल का इक्वेशन जो अपने पास आता है ठीक है तो जो सर्कल का इक्वेशन अपने को मिलता है तो वहाँ पर उस सर्कल का इक्वेशन अगर अपन देखेंगे तो जैसे अगर अपन किए थे एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर ठीक है एच के ले लो या अल्फा बीटा ले, ले लो सेंटर तो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कुछ इस तरीके से अपन देखे थे ठीक है तो जब अपन उसको पूरा सॉल्व करते हैं ध्यान से देखते जाना जब अपन उसको पूरा सॉल्व करते हैं जैसे एक ये बता रहा हूँ लॉजिक ध्यान से देखते जाना तो जैसे अपन इसको सॉल्व किए थे एक्स माइनस अल्फा इसका स्क्वायर प्लस ठीक है फिर ये कितना वाई माइनस बीटा ठीक है इसका स्क्वायर इसकोअल टू आर स्क्वायर तो जैसे अपन इसको सॉल्व किए तो आफ्टर पूरा जब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं तो अपने को क्या दिखाई देता है तो अपने को दिखाई देता है एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिखाई देता है फिर एक वाई स्क्वायर वाला टर्म दिखाई देता है एक एक्स के सिंगल पावर वाला टर्म दिखाई देगा एक वाई के सिंगल पावर वाला टर्म दिखाई देगा और एक कॉन्स्टेंट टर्म दिखाई देगा सही बात है क्या बच्चों कुछ इस तरीके से रहता है मीन्स अगर अपन देखें तो टोटल ये फाइव टर्म्स ही अपने को दिखाई देते हैं अगर इस फॉर्मेट में अपन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्चुअल में ये आता कहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये आता है? तो बच्चों ऐसा है एक छोटा सा लॉजिक रहता है ठीक है तो अगर इसमें ध्यान से देखें ठीक है तो एक छोटा सा लॉजिक रहेगा बिल्कुल इसको समझ के चलेंगे क्या है अगर अपन थोड़ा सा सोचें कौनिक सेक्शन ठीक है कौनिक सेक्शन तो कौनिक सेक्शन में बिल्कुल अगर एक लॉजिक लगाया जाए तो एक कोन रहता है उसको डिफरेंट डिफरेंट इसमें अपन कट करते हैं तो अलग अलग कर्व अपने को दिखाई देते हैं उसको बोला जाता है सेक्शन ठीक है तो कोनिक सेक्शन में टोटल कितने कर्व होते हैं ये जो मैं अभी बोला कि कोन को कट करते हैं तो ये जस्ट पैराबोला स्टार्ट होने से पहले अपन इसके बारे में पूरी लॉजिक्स देखेंगे तो जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझते जाना क्या रहेगा कि कॉनिक सेक्शन तो कॉनिक सेक्शन में जो टोटल कर्व आते हैं वो होते हैं फाइव कौन कौन से सबसे पहला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेकेंड सर्कल थर्ड पैराबोला फोर्थ एलिप्स एंड फिफ्थ होता है हाइपरबोला मीन्स कोनिक सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ कर्व्स जो बनते हैं वो कितने बनते हैं फाइव बनते हैं ठीक है टोटल जो बनते हैं कितने बनते हैं फाइव अपन सबसे पहला कर्व पढ़ रहे हैं सेंस ये क्या रहता है कंप्लीट सीमेट्रिसिटी कंडीशन पे बेस्ड होता है तो इसीलिए सर्कल में जनरली अपन कोनिक सेक्शन शब्द का यूज़ नहीं करते है. चलो भाई तो अब अपन इसमें क्या करते हैं ध्यान से देखते जाएं तो ये जो पूरे कॉनिक सेक्शन रहते हैं एक्चुअल में ये पूरे के पूरे पार्ट होते हैं किसके जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ध्यान से देखेंगे बच्चे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी स्क्वल टू जीरो अच्छे से समझ ले बच्चे ये पूरा का पूरा जो पार्ट होता है किसका ए एक्स स्क्वायर ठीक है एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा प्लस ये होता है टू एच एक्स वाई प्लस फिर ये कितना आ जाएगा बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई टू एफ वाई प्लस सी इज्कल टू जीरो देखो ऊपर भी लिखा हुआ है ध्यान से देख ले इसको बोला जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ध्यान से देख लेना जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड कंडीशन फॉर सर्कल जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड कंडीशन फॉर सर्कल तो क्या रहता है यही जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री अपने पास होता है यही जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री अपने पास होता है तो इसमें अपन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करते जाते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन रिप्रेजेंट करते जाता है जैसे कुछ कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे तो ये क्या बना देगा सर्कल बना दे सर्कल बना देगा ठीक है कुछ और कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आई के सिलेबस से हटा दिया गया है लेकिन कुछ पॉइंट्स के लिए अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को एक छोटा एनालिसिस करते हैं और पढ़ते हैं उसके बारे में आगे फिर इसमें बढ़ जाते हैं तो कुछ अगर कंडीशन लगाएंगे तो ये पैराबोला बन जाएगा ठीक है और कुछ कंडीशन लगाए तो ये क्या आ जाएगा अपने पास इलिप्स आ जाएगा ठीक है और वैसे ही अपन और कुछ कंडीशन लगाए तो ये क्या आ जाता है हाईपर आ जाता है क्लियर है मीन्स यही जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो है वो क्या करेगा आपको ठीक है ऑल फाइव टाइप्स के कोनिक uh, सेक्शन के जो कर्व होते हैं सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला ये पूरे को क्या करता है डिफाइन करता है क्लियर बच्चे लोग ध्यान में रखेंगे इसको छोटा सा प्रोसेस है लेकिन बहुत इसको ध्यान में रखना पड़ता है मेंटेन करके चलना पड़ता है और ज़बरदस्त काम का रहता है कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं रहती तो ध्यान से देखें तो जैसे बच्चों अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था सिंगल वेरिएबल का रहता था ये भी लाइक like क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही है और ये क्या है ड्ल्व वेरिएबल में रहता है मीन्स डबल वेरिएबल में रहता है जैसे देखें यहाँ पर एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं और उसके लिए क्या है ये पूरा का पूरा कर्व अपना बन रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एच वाई प्लस सी स्क्वल टू ज़ीरो क्लियर है तो जैसे अपन देखते थे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन देखते थे कि यहाँ पर जो भी इक्वेशन रहता था उसका एनालिसिस का एक फैक्टर रहता था जिसको अपन बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट जिसको अपन बोलते थे क्या चीज डिस्क्रिमिनेंट तो डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे तो वैसे ही क्या होता है ये जो ड्वेल वेरिएबल्ड क्वाड्रेटिक जो रहता है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है डेल ठीक है इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है इसके भी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर हालाँकि इसका कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन अपन पैराबोला स्टार्ट होगा तब अपन उसके बारे में पढ़ेंगे सर्कल में उतना डिटेल नहीं जाते क्यों क्योंकि सर्कल एक प्योर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है तो इसीलिए इसको कॉनिक पढ़ाने से पहले बताया जाता है क्लियर है तो ध्यान से देखते जाना तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है जैसे अपने पास क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट होता था वैसे ये भी डिस्क्रिमिनेंट है लेकिन इस डिस्क्रिमिनेंट का नाम है क्या चीज़ पार्शियल डिस्क्रिमिनेंट ठीक है इसको क्या बोला जाता है पार्शियल डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट ठीक है तो इसको क्या बोला जाता है पार्शियल डिस्क्रिमिनेंट क्लियर है बच्चे लोग तो कुछ इस तरीके से रहता है तो अपन क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे ध्यान से सुनते जाएंगे कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ये एक्स स्क्वायर <coughs> प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एच वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो तो ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है इसमें अपन कौन सा कंडीशन अप्लाई करें कि ये सर्कल बनेगा तो रहता है इसका कुछ कंडीशन तो जस्ट वो कंडीशन मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ ध्यान से देखते जाएंगे सभी बच्चे ठीक है तो कैसे ये कंडीशन आएगा तो देखें ध्यान से समझते जाएं कि ये क्या लॉजिक इसमें लगेगा तो सबसे पहली बात ये जो अपने पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में जो कंडीशन रहेंगे कंडीशन फॉर सर्कल ठीक है तो जो कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे वो कुछ इस तरीके से रहेगा देखते जाए सबसे पहली बात ठीक है ए इजक्वल टू बी टू कितना हो जाएगा वन ध्यान से देख लें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कॉफिशेंट रहेगा ये ऑलवेज कितना होना चाहिए वन होना चाहिए तो ये क्या है ए इक्वल टू बी इसवल टू यह कितना हो गया अपने पास वन ठीक है ये अप्लाई करना पड़ेगा सेकंड क्या रहता है एच इजल टू जीरो रहता है सेकंड क्या रहता है एच इज्क्वल टू जीरो होता है और थर्ड एक कंडीशन है तो वो कॉनिक सेक्शन स्टार्ट होगा तो उस समय अपन इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं ये जो डिस्क्रिमिनेंट रहता है इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट रहता है इसकी वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है तो जैसे ही अगर अपन हालांकि ये वाला जो कंडीशन है अभी अपने काम का नहीं है फिलहाल सर्कल के लिए तो ध्यान से देखते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा जैसे ही अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं तो डेफ जनरल इक्वेशन जो आता है ठीक है ध्यान से देखते जाना तो इस केस में जो अपने पास जनरल इक्वेशन आएगा वो कुछ कैसा रहेगा तो ध्यान से देखें बच्चे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशेंट वन तो और एच की वैल्यू कितनी है अपने पास ज़ीरो तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर ध्यान से देख लें बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब एच को ज़ीरो करोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका ख़त्म हो जाएगा मीन्स ये कितना ठीक है वो गायब हो गया अगला बचेगा एक्स का सिंगल पावर वाई का सिंगल पावर मीन्स ये कितना हो जाएगा टू जी एक्स प्लस ठीक है वाई का सिंगल पावर तो ये कितना हो जाएगा टू एफ वाई और प्लस कांस्टेंट टर्म आपका एज इट इज रहेगा इक्वल टू जीरो तो ध्यान से देख लेंगे बच्चों अभी थोड़ी देर पहले भी अपन इसके बारे में डिस्कस किए थे कि, किसी भी सर्कल के इक्वेशन को जब आप पूरा सॉल्व करते हो तो ये फाइनली फाइव टर्म्स उसमें दिखाई देते हैं कौन कौन से एक एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर एक एक्स का सिंगल पावर एक वाई का सिंगल पावर और एक कॉन्स्टेंट टर्म क्लियर है समझ में आए तो चलो भाई ध्यान से देखते जाए तो कुछ ऐसा दिखाई देगा तो यहाँ पर भी अपन वही सीखें कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में कौन कौन से कंडीशन अप्लाई किए जाएंगे तो कौन कौन से कंडीशन अप्लाई किए जाएंगे कुछ इस तरीके से तो अपने को मिलेगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ठीक है जनरल इक्वेशन तो देखो क्या है जनरल इक्वेशन में बच्चे लोग को थोड़ा सा एक मिसकन्सेपन रहता है जनरल इक्वेशन क्या होता है जैसे लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी स्क्वल टू जीरो आप टेंथ में भी पढ़े थे इलेवंथ में भी आके पढ़ोगे ठीक है ट्वेल्थ में भी पार्ट बाई पार्ट इसका बहुत ज्यादा यूज है तो जनरल इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है जनरल इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है तो जनरल इक्वेशन का मतलब यह होता है कि वो एक फॉर्मेट बताता है कि अगर आप लाइन का जनरल इक्वेशन देख रहे हैं तो एक्चुअल में लाइन का इक्वेशन दिखाई कैसे देता है ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज टू जीरो तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया क्लियर एक्स का सिंगल पावर वाई का सिंगल पावर एक कॉन्स्टेंट टर्म क्लियर है तो वैसे ही ये क्या हो गया सर्कल का जनरल इक्वेशन आप जितने भी सर्कल का इक्वेशन देखेंगे जितने भी वहां पर आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन वाई स्क्वायर का कोफिशियंट वन फिर एक एक्स के सिंगल पावर वाला टर्म मिलेगा वाई के सिंगल पावर वाला टर्म और एक कॉन्स्टेंट टर्म इज्क्वल टू जीरो तो ये क्या रहेगा कुछ इस तरीके से आपको क्या दिखाई देगा सर्कल का इक्वेशन दिखाई देगा ध्यान से देख लेंगे ठीक है इसीलिए इसको बोला जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मीन्स आपको सर्कल जो है कोई भी सर्कल का इक्वेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये नज़र आएगा क्लियर है बच्चे लोग ठीक है आगे फिर अब इसमें बढ़ जाते हैं तो ध्यान से देखें अब इसको छोटा सा एक फॉर्मेट में मैं और समझा रहा हूँ ध्यान से देखते जाएंगे जैसे अगर अपन देखे थे सर्कल का इक्वेशन ठीक है सर्कल का इक्वेशन देखे थे तो क्या देखे थे एक्स माइनस एच ये इस फॉर्मेट से आया था एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस ठीक है क्या था वाई माइनस के या फिर अल्फा बीटा ले लो सेंटर को मैं एच के ले लिया इसक्वल टू ये कितना हो गया आपका आर स्क्वायर ठीक है तो अगर बाई चांस आपका जो सेंटर था अगर बाई चांस आपका जो सेंटर है ठीक है तो सेंटर जो था वो क्या है एच के सेंटर जो है वो क्या है एच के तो अगर बाई चांस आप इस एच के को क्या कर देते हो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से रिप्लेस करा देते हो एच के को पॉइंट ऑफ ओरिजिन से रिप्लेस करा दिए तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जीरो मीन्स एक्स स्क्वायर ठीक है फिर ये हो जाएगा वाई माइनस ज़ीरो मीन्स ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इसक्वल टू ठीक है ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर e तो ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर कितना है पॉइंट ऑफ ओरिजिन और रेडियस कितना है आर यूनिट क्लियर है तो ये अगर कुछ इस फॉर्मेट में आया सर्कल तो आपको एक्स स्क्वायर दिखाई देगा कोई दिक्कत नहीं वाई स्क्वायर दिखाई देगा लेकिन एक्स के सिंगल पावर और वाई के सिंगल पावर का जो कोफिशेंट रहेगा वो आपका गायब हो जाएगा क्लियर है और कुछ इस तरीके से ये रहेगा कि ये क्या हो जाएगा अपने पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा जिसमें सेंटर क्या रहेगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन और रेडियस रहेगा आर यूनिट क्लियर है बच्चे चलो तो ध्यान में रखें इसमें एक्स के सिंगल पावर वाई के सिंगल पावर इसका कोफिशेंट आपको ठीक है नजर नहीं आएगा मतलब वो टर्म ही आपको नजर नहीं आएगा कब जब सेंटर क्या है अपने पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन है क्लियर है बाकी अपन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में पूरे सर्कल के इक्वेशंस देखते जाएंगे बड़ा मज़ेदार होता है ये और बहुत अच्छे से समझ में आता है चलो आगे फिर इसमें चलो नेक्स्ट अब इसमें बढ़ते हैं ध्यान से देखते जाएंगे तो अभी अपन आए कि इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ठीक है तो बच्चों ये जो जनरल इक्वेशन है इसके बारे में अपन एनालिसिस करेंगे आगे और इसको अपन पढ़ेंगे बस आज के लिए इस क्लास के लिए इतना रखते हैं बच्चों फिर अगली क्लास में अपन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए थैंक यू बाय गुड डे